हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 10th लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन सिंगल एंड डबल परचेस क्राफ्ट। लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द वॉर्म एंड वॉर्म व्हील एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, राइट? सो let us discuss the velocity ratio of worm and worm wheel. What is the formula for velocity ratio of worm and worm wheel? Bade upar, chote niche. Okay, this is our formula. Okay, so capital D is the diameter of effort wheel, small n is capital N is the number of teeth on worm wheel, small d is equals to number of diameter of the load drum, and small n is the number of teeth on worm. फिर हमने पढ़ा था गियर पुल्ली ब्लॉक, इसके हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे और दो फार्मूले भी देखे थे। पहला फार्मूला था कैपिटल डी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू एन पी, और इसका दूसरा फार्मूला हमने देखा था, क्या था हमारा दूसरा फार्मूला? एन ई इंटू एन एस डिवाइडेड बाय एन एल इंटू एन पी, राइट? दिस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर चारों टीथ दे रहे हैं तो ये फॉर्मूले का यूज करना है, दो डायमीटर और दो टीथ दे रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है। सो लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, यू आर एबल टू डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंगल एंड डबल परचेज क्राफ्ट। Okay, so these are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो चलिए दोस्तों, नई मशीन देखते हैं आज, सिंगल परचेस क्रैब। तो सिंगल परचेस क्रैब ये बहुत ही सिंपल टाइप की मशीन है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये यहाँ पे आपको गियर मिल रहा है, छोटा वाला गियर, और ये जो गियर है दैट इज बिगर गियर। तो ये जो बड़ा वाला जो गियर होता है इसको हम स्पर गियर बोलते हैं, और ये जो छोटे वाले व्हील को हम पिनियन बोलते हैं। छोटे व्हील को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिनियन। पिनियन और पिनियन के एक ही शाफ्ट के ऊपर, इसी शाफ्ट के ऊपर हम एक व्हील को लगाते हैं जिसको हम एफर्ट व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एफर्ट व्हील। और स्पर गियर का जो भी एक्सिस है या जो भी इस ये है इसके ऊपर हम लोड ड्रम लगाते हैं, इसको हम लोड ड्रम बोलते हैं, बराबर है? तो यहाँ पे हम लोड को लगाएंगे और लोड को हम लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम एफर्ट को लगाने वाले है, ओके? तो एक बड़ा वाला गियर रहेगा उसको हम स्पर गियर बोलेंगे, जो छोटा वाला गियर रहेगा उसको पिनियन बोलेंगे, है ना? और पिनियन और एफर्ट व्हील एक ही शाफ्ट के ऊपर रहेंगे और स्पर गियर और लोड ड्रम एक शाफ्ट के ऊपर रहेंगे। तो दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ मेनली लार्जर व्हील, लार्जर गियर इज नोन एज स्पर एंड और मेन गियर भी बोलते हैं उसको, और स्मॉलर गियर को हम क्या बोलते हैं? पिनियन बोलते हैं। द स्पर और मेन गियर इज माउंटेड ऑन लोड ड्रम, है ना? बड़ा वाला गियर किसके साथ रहेगा? लोड ड्रम के साथ रहेगा। एंड पिनियन विच इज फर्दर माउंटेड ऑन द एफर्ट व्हील, और ये जो पिनियन जो है ये एफर्ट व्हील के साथ एक ही शाफ्ट के ऊपर रहते हैं। अ रोप और स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड टू द लोड ड्रम, है ना? ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ना, रोप ऑफ स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी वाउंड की जाती है लोड ड्रम के ऊपर, और लोड ड्रम के ऊपर हम यहाँ पे वेट लगाने वाले या लोड लगाने वाले है, और एफर्ट व्हील के ऊपर हम एफर्ट लगा के उसको लिफ्ट करने वाले हैं, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, ओके? आइए दोस्तों देखते हैं अभी वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल परचेस क्राफ्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा जो छोटा वाला गियर रहता है उसे हम पिनियन बोलते हैं, बराबर है? और पिनियन के उसी शाफ्ट के ऊपर हमने एफर्ट व्हील को लगाया हुआ है, और एक जो बड़ा वाला गियर है दैट इज स्पर गियर, और स्पर गियर का जो भी है उसके ऊपर हमने उसी एक्सेस के ऊपर लोड ड्रम को लगाया है, ओके? सो वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल परचेस क्राफ्ट ये सेम है गियर पुल्ली ब्लॉक, गियर पुल्ली ब्लॉक का जो फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला सिंगल परचेस क्राफ्ट का है। वी नो डी इज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, एन एस इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर गियर एंड एन पी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। कभी कभी क्या होता है, ये कैपिटल डी ने ये दिया जाता है, तो हमने पढ़ा था स्क्रू जैक में कैपिटल डी इज 2 इंटू लेंथ ऑफ हैंडल। यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा होगा, ये है ना, यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा होगा, बराबर है? सो लेंथ ऑफ हैंडल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा, ओके? तो आइए दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं सिंगल परचेस क्राफ्ट के ऊपर।
तो पढ़िए स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कह दिया, इन अ सिंगल परचेस विंच नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड मेन गियर आर 20 एंड 125 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ एफर्ट हैंडल इज 0.6 मीटर एंड डायमीटर ऑफ लोड ड्रम इज 0.2 मीटर। अ लोड ऑफ 900 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 40 न्यूटन। डिटरमाइन द इफिशेंसी ऑफ मशीन। सो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन हमारे लिए कोई भी बात हार्ड नहीं है, ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है। तो गिवन डेटा देखते हैं। सबसे पहले हमको दिए नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड मेन गियर। अभी आपको पता रहना चाहिए कि मेन गियर का मतलब भी क्या होता है, स्पर गियर। मेन गियर का मतलब भी क्या है, स्पर गियर। ओके, तो सबसे पहले आपको पिनियन के दिए हैं, है ना, पिनियन मतलब एन पी। एन पी कितना दिया है आपको, 20, और उसके बाद दिया है नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर एन एस, कितना दिया है आपको, 125, बराबर। ओके, फिर लेंथ ऑफ हैंडल मतलब कैपिटल एल दिया हुआ है आपको 0.6 मीटर, बराबर है। लेकिन हमको चाहिए कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का क्या पढ़े हमने, 2 इंटू एल, 2 इंटू एल। ओके, सो 2 इंटू एल मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 इज हाउ मच 1.2 मीटर, 1.2 मीटर कैपिटल डी आपको मिलेगा, 1.2 मीटर। फिर डायमीटर ऑफ लोड ड्रम मतलब आपको स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी कितना दिया है आपको, 0.20 मीटर। ओके, फिर लोड डब्ल्यू दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू इज हाउ मच, 900 न्यूटन, और एफर्ट दिया हुआ है पी आपको 40 न्यूटन। एफर्ट दिया आपको कितना, 40 न्यूटन, और आपको बोल रहा है टू फाइंड इफिशियंसी ऑफ मशीन, टू फाइंड द इफिशियंसी ऑफ मशीन। तो मैंने आप सभी को सबसे पहले बताया है कि जब भी मशीन का प्रॉब्लम आता है आपको वेलोसिटी रेशियो पहले निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू एन पी। तो कैपिटल डी कितना है आपका, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय एन एस कितना है बेटा, 125 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना है आपका, स्मॉल डी इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन पी, एन पी कितना है, 20। तो कैलकुलेट करिए बेटा वेलोसिटी रेशियो कितना आता है, 1.2 इंटू 125, 1.2 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 20। ओके, सो योर वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच, 37.5। यू गॉट द वेलोसिटी रेशियो हाउ मच, 37.5, राइट। फिर हमको एम ए निकालना पड़ेगा, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि इफिशियंसी निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी, डब्ल्यू इज हाउ मच, कितना दिया बेटा डब्ल्यू आपको, 900, पी कितना दिया है आपको, 40। सो हाउ मच मैकेनिकल एडवांटेज यू गॉट, 900 डिवाइडेड बाय 40 करिए कितना आता है, 22.5। कितना है बेटा आपका आंसर, 22.5 मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, फिर हमको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है बोलिए, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 22.5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो हाउ मच कितना निकाला था हमने, 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हाउ मच इफिशियंसी, 22.5 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 37.5 इंटू 100। तो यू गॉट द इफिशियंसी हाउ मच, 60%। यू गॉट द इफिशियंसी हाउ मच, 60%। इतना बड़ा न्यूमेरिकल है लेकिन आंसर कितना आसान है, तो आपने डरना नहीं है, काफी आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। आइए दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर दो देखते हैं। क्या दिया है न्यूमेरिकल नंबर दो में, इन अ सिंगल परचेस क्रैब हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स, लेंथ ऑफ हैंडल इज 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ लोड ड्रम 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 16,
number of tritons per 80, find the velocity ratio and effort required to lift the load of 2 kN with an efficiency of 70%. तो काफी important numerical है ये, अच्छा question है, चलो solve करते हैं. सबसे पहले निकालेंगे हम given data. क्या दिया है आपको सबसे पहले? लेंथ ऑफ हैंडल, लेंथ ऑफ हैंडल मतलब कैपिटल एल, कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर. फिर अगर आपको ये दिया है लेंथ, तो कैपिटल डी मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा? 2 इंटू एल. सो 2 इंटू एल मतलब 2 इंटू 40, कितना मिल जाएगा आपको? 80 सेंटीमीटर. कैपिटल डी इज हाउ मच? 80 सेंटीमीटर. फिर आपको डायमीटर ऑफ लोड ड्रम मतलब स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना दिया है? 20. देन नंबर ऑफ टीथॉन पिनियन, नंबर ऑफ टीथॉन पिनियन मतलब एन पी, नंबर ऑफ टीथॉन पिनियन इज एन पी, हाउ मच? 16. फिर नंबर ऑफ टीथॉन स्पर, स्पर का बोलिए एन एस, कितना? 80. ओके, फाइंड वी आर, हमको क्या निकालने के लिए बोल रहे हो? वी आर की वैल्यू बताइए. ओके, एफर्ट रिक्वायर्ड, पी बी निकालने के लिए बोल रहे हैं. कब? जब लोड कितना लिफ्ट कर रहे हैं? 2 kN, लोड इज 2 kN. ओके, सो 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 न्यूटन. और इफिशियंसी आपको कितनी दी है? इफिशियंसी इज हाउ मच? 70%. ओके, एफिशिएंसी कितनी दी आपको? 70%. तो कैसा करेंगे इसको? सबसे पहले हम वी आर निकाल लेते हैं. वी आर का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय एन एस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय एन पी, बराबर है? वैल्यूज को पुट करिए. कैपिटल डी इज हाउ मच? 80 इंटू एन एस कितना है आपका? 80. स्मॉल डी इज हाउ मच? 20. और एन पी कितना है? 16, बराबर है? तो करिए, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 16, है ना? कितना आया बेटा? 20. यू गॉट द वेलोसिटी रेशियो हाउ मच? 20. तो एक आंसर हमारा आ गया, वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच? 20. फिर अभी हमको क्या बोल रहे हैं वो? एफर्ट निकालने के लिए, और एफर्ट इफिशियंसी के पास रहता है. तो सबसे पहले हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं. क्या इफिशियंसी का फॉर्मूला? एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इफिशियंसी दी है हमको 70. एम ए इज हाउ मच? नहीं पता. वी आर अभी निकाला 20 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. और ये 100 इधर से जाके इधर डिवाइड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? एम ए अपनी जगह पे रहेगा, 70 भी अपनी जगह पे है, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए और ये 100 इधर जाके डिवाइड हो गया, बराबर है? तो यू विल गेट एम ए इक्वस टू हाउ मच? एम ए इक्वस टू 14. करिए, 70 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 14. फिर हमें पता है एम ए इक्वल्स टू वॉट? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी, ठीक है? तो एम ए इज 14, डब्ल्यू इज हाउ मच? डब्ल्यू इज 2 इंटू 1000, बराबर है? डिवाइड बाई पी. सो इधर 14 चले जाएंगे और इधर पी चले जाएंगे. सो पी इक्वल्स टू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 14. तो आपको कितना एफर्ट मिलेगा? देखिए, 2000 डिवाइडेड बाय 14, वन फोर्टी टू पॉइंट एट फाइव, कितना है बेटा? 142.85 न्यूटन. ओके, 142.85 न्यूटन. आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलिए दोस्तों, तो हमारी इस चैप्टर की सबसे लास्ट मशीन देखने वाले अभी हम, डबल परचेस क्रैप. तो ये नेक्स्ट इन्वर्जन है सिंगल परचेस क्रैप का, बराबर है? तो इसमें और सिंगल परचेस क्रैप में क्या डिफरेंस है? तो इसका जैसे कि नाम ही है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? डबल. इसका नाम क्या है बेटा? डबल. तो क्या डबल?
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पर गियर आपको दिख रहा होगा और एक पिनियन यहाँ पे दिख रहा होगा, बराबर है। एक स्पर गियर यहाँ, एक पिनियन यहाँ पे दिख रहा है और एक स्पर गियर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दो सेट रहते हैं, दो सेट है किसके, दो सेट्स ऑफ स्पर एंड पिनियन, है ना। यहाँ पे क्या होता है, दो सेट्स ऑफ स्पर एंड पिनियन का जो सेट रहता है, ऐसे दो सेट रहते हैं, इसलिए इसको डबल परचेज क्रैब बोला जाता है। ओके, सो दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ टू लार्जर गियर्स ए एंड सी एज पर और मेन गियर्स एंड स्मॉलर गियर्स बी एंड डी कॉल्ड एज पिनियन एज शोन इन फिगर। द लोड ड्रम और लोड एक्सल इज रिजिडली कनेक्टेड टू स्पर ए विच इज फर्दर गियर्ड विद पिनियन बी, है ना, ये और बी। फिर पिनियन बी एंड पिनियन सी आर रिजिडली माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट शाफ्ट और एक्सल, एंड स्पर सी इज फर्दर गियर विद द पिनियन डी, है ना। तो ये जो सी है ये किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, डी के साथ कनेक्टेड रहेगा। सो कॉल्ड एज एफर्ट एक्सल टू विच एफर्ट व्हील इज अटैच, है ना, एफर्ट एक्सल के ऊपर हम एफर्ट व्हील को अटैच करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका वेलोसिटी रेशियो देखते हैं डबल परचेस क्रैब का। तो आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको पिनियन डी दिख रहा है जो कि स्पर सी के साथ मेश है, और पिनियन बी जो है वह स्पर ए के साथ मेश है। मतलब यहाँ पे कितने स्पर गियर है, स्पर गियर दो है और पिनियन भी दो है, ऐसे दो सेट्स है, बराबर है। और यहाँ पे एफर्ट व्हील है जहाँ पे हम एफर्ट लगाने वाले हैं, और यहाँ पे हमारा लोड ड्रम है जहाँ पे हम लोड को लिफ्ट करने वाले हैं। वेलोसिटी रेशियो देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय NS1 मल्टीप्लाइड बाय NS2, मतलब स्पर के ऊपर ही लिखना है और नीचे स्मॉल डी NP1 NP2, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, NS1 एंड NS2 आर द नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर गियर्स एंड NP1 एंड NP2 आर द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अगर हमको कैपिटल डी नहीं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 × लेंथ ऑफ हैंडल। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे आखिरी न्यूमेरिकल हम करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, तो क्या दिया है यहाँ पे, इन अ डबल परचेस क्रैब द टू पिनियंस हैव 12 टीथ ईच, मतलब जो दो पिनियन है उनके ऊपर 12-12 टीथ है, ईच बोला है। एंड टू स्पर व्हील्स हैव 72 टीथ ईच, जो स्पर गियर है उनके ऊपर 72-72 टीथ है, 72 टीथ है। द डायमीटर ऑफ लोड ड्रम इज 22 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ एफर्ट व्हील इज 65 सेंटीमीटर, फाइंड वेलोसिटी रेशियो। सिर्फ वेलोसिटी रेशियो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। सो पिनियन दिए हैं, मतलब NP1 नंबर ऑफ टीथ ऑन पहले वाले पिनियन के ऊपर और नंबर ऑफ टीथ ऑन दूसरा वाला पिनियन, दोनों भी कितने दिए, 12, क्योंकि वहां पे शब्द बोला है 12 टीथ ईच। फिर स्पर गियर भी दिए हैं, NS1 इक्वल टू NS2, ये भी कितना दिया है, 72 टीथ ईच। डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, मतलब आपको सबसे पहले स्मॉल डी दिया है 22 सेंटीमीटर, फिर आपको एफर्ट व्हील मतलब कैपिटल डी दिया है 65 सेंटीमीटर, और हमें वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए बोला है। सो क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का, वी आर इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू NS1 इंटू NS2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू NP1 इंटू NP2। ओके, तो कैपिटल डी कितना है आपका, 65, NS1 कितना है, 72, NS2 भी कितना है, 72 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना है, 22, NP1 कितना है, 12, NP2 भी कितना है, 12। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आया बताइए दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच, करिए जल्दी करिए, 65 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 72 होल डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 12 कितना है बेटा,
वेज 106.36, कितना है बेटा 106.36। ओके योर वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच 106.36। तो दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। सो दीज आर द यूनिट आउटकम वी हैव अचीव्ड। लेट अस रिव्यू द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट सिंगल परचेस स्क्रैप एंड डबल परचेस स्क्रैप। दीज आर द प्रोग्राम आउटकम दैट वी हैव अचीव्ड बाय सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। सो दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क इन एमएसबीटी। आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और मुझे इनका पीडीएफ बना के भेजना है। ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइस। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 सिंपल लिफ्टिंग मशीन खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। बराबर है? तो आई होप आप अच्छे से, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे आप मुझसे रेगुलरली कॉन्टेक्ट में होंगे। ओके तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यू ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।